नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी टीजीटी का जो पेपर 2016 की जो विज्ञप्ति थी दोस्तों, और जो पेपर आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था उसमें उसका सॉल्यूशन टॉपिक वाइज। दोस्तों आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है इंटीग्रेशन, जिसमें कि दोस्तों आज मैं आपको दो डेफिनेट इंटीग्रेशन पर जो बेस्ट क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन एंड शॉर्ट ट्रिक एज वेल। देखिए पहला जो क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने देखा था पेपर में, आई बराबर -1 to 1 log 2 - x डिवाइडेड बाय 2 + x dx। ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आप अंदाजा लगा देंगे दोस्तों कि ये जो आपके निश्चित समाकलन मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी प्रॉपर्टी, कि जब हम जानते हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है कि जब मुझे निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों एक जैसी दिखाई दे तो सबसे पहले दोस्तों हम पता करते हैं कि दिया गया फलन विषम है या सम। अगर मैं एक्स के स्थान पर, कब पता करेंगे दोस्तों आप ये कि दिया गया फलन सम है या विषम, जब मुझे निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का मान समान हो, केवल चिन्ह में परिवर्तन हो, तब मैं जो दिया गया फलन है उसमें x के स्थान पर -x रखूंगा और देखूंगा नंबर 1 अगर मुझे -x रखने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो दोस्तों वो मेरा हो जाता है सम फलन। ठीक है, इवन फंक्शन। और अगर मुझे माइनस रखने पर दोस्तों अगर इस प्रकार की वैल्यू मिलती है माइनस का fx तो दोस्तों वो मेरा हो जाता है ओड फंक्शन मतलब विषम फलन, जिसका हल दोस्तों मुझे 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि ये दिया गया क्वेश्चन हमें इसी प्रकृति का है जिसमें कि मुझे सम और विषम फलन का पता करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपने पता कर लिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देख करके, दोनों की वैल्यू सेम है केवल अपोजिट इन साइन। तो दोस्तों यहाँ मुझे जो fx है वो मिलेगा log 2 - x डिवाइडेड बाय 2 + x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, fx इक्वल टू log, हम जानते हैं कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से इसको मैं इस टाइप से डिवाइड को सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं x के स्थान पर -x रखूँगा और मैं यहाँ से चेक करना चाहूँगा कि भाई दिया गया फलन जो है वो मेरा सम है या विषम है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसको पता करने के लिए कि भाई दिया गया मेरा फलन सम है या विषम है वो अब हम पता करेंगे। ठीक है, मैं x के स्थान पर -x रखता हूँ तो देखिए f ऑफ -x इक्वल टू, मैंने लेफ्ट हैंड में भी रखा है और राइट हैंड में भी, तो log मुझे ये बन जाएगा 2 + x क्योंकि यहाँ ऑलरेडी -x है, आप x की जगह -x रखेंगे तो -, एंड माइनस का log यहाँ पर दोस्तों मुझे मिलेगा -x क्योंकि यहाँ पे x प्लस में है, तो मैं x की जगह पे -x रखूँगा तो मेरा बन जाएगा 2 - x। तो यहाँ से आप माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो मैं फिर कि भाई मुझे माइनस दिया हुआ है तो मैं इसको डिवाइड में इस टाइप से लिख सकता हूँ, जो कि ये कैसा आ गया, माइनस का fx आ गया। आप कंपेयर कीजिए, हमने जो fx माना था वो यही था log 2 - x अपॉन 2 + x, अब मेरे को नेगेटिव साइन के साथ में आ गया तो आप जानते हैं कि ये फंक्शन कैसा हो गया, एक विषम फलन हो गया। ठीक है, दिस इज एन ओड फंक्शन और विषम फलन हो गया दोस्तों, तो मेरे को उसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो पूरे इंटीग्रल का जो आंसर है दोस्तों वो फाइनली क्या आएगा, दैट विल बी 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों वो भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए आई बराबर, वीडियो को ध्यान तक देखिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन पर आधारित। आई बराबर 0 से π/2 sin x dx डिवाइडेड बाय sin x + cos x। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, कि यदि मुझे, आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी मुझे ये इस टाइप की है कि भाई a to b fx dx है तो दोस्तों मैं उसकी जगह पे क्या रख देता हूँ, f ऑफ a + b - x dx, ये मैं रखता हूँ। जनरली a जो है वो 0 होता है, जनरली होता है,
हमेशा होगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, साधारणतया ये आपको ध्यान रखना है, नहीं होगा तब भी ये प्रॉपर्टी नंबर फोर वो काम करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप कब काम में लेकर के आएंगे, आप ध्यान दिएगा कि जब भी मैं डिनोमिनेटर में मतलब हर के अंदर जब भी मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं और मुझे हर का मान परिवर्तित नहीं हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो साइन मुझे ए कितना है जीरो और बी कितना है पाई बाय टू, तो मैं डायरेक्ट पाई बाय टू माइनस एक्स रख के दे चेक कर लेता हूं। ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ में कब लाऊंगा वो मैं आपको बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कितना हो गया, दैट इज कॉस एक्स एंड दैट इज व्हाट साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद में जो हर है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही वापस मिला है, तब आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ में लेकर के आएंगे और उसकी हेल्प से दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपने पता कर लिया कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। चलिए तो आई बराबर ये प्रॉपर्टी आपकी अंश और हर दोनों में आपको यूज़ में लाना है, तो साइन ए प्लस बी, तो मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी तो जो पूरा तरीका बता रहा हूँ फिर आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स एंड दैट इज कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या मिल गया यहाँ से, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मुझे यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों I बराबर 0 से पाई बाय टू, आप अच्छे से जानते हैं साइन पाई बाय टू एक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स में, और एज इट इज डिनोमिनेटर में मुझे मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे सकते हैं। अब आपको सबसे पहले 1 प्लस 2 को आपको हमेशा ऐड करना है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते समय, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों I और पहले वाला I मिलाकर 2y हो जाएगा, एंड हम जान रहे हैं कि जो दोनों ही हमारे पास में जो वैल्यू थी fx की वो दोनों के अंदर लिमिट सेम है, तो 0 से पाई बाई 2 मैंने ऐड कर दिया, तो साइन x प्लस कॉस एक्स, साइन x प्लस क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया, एक स्टेप मैंने कम लिखी है, ये आपका ऐड हो जाएगा। कैसे किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम, साइन एक्स प्लस कॉस कट गया, दोस्तों मेरे को 2y की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0 टू पाई बाय 2 डी एक्स, इसका समाकलन आप जानते हैं x 0 से पाई बाय 2 इक्वल टू आप लिमिट रखेंगे पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये मेरे को आएगा 2y के बराबर, तो i के बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा पाई बाय 4। तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनका जो आंसर है वो आपको हमेशा पाई बाय 4 ही मिलेगा। चलिए तो अभी देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन टाइप, ठीक है, चलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन देख देता हूँ जो इस टाइप के होते हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप देखते ही सॉल्व कर सकें, आपको कहीं भी आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 0 से पाई बाय 2 ये ट्रिक आपके सभी के लिए काम आएगा, भले ही क्वेश्चन जैसा मैं लिखता जा रहा हूं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, बस ध्यान ही रखना है कि हमारे पास में डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो, ठीक है। सबका आंसर दोस्तों पाई बाई 4 ही आने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देखें सभी में आप बिना सॉल्व किए सीधा ही आप चाहें तो आंसर भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस ये है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन में दोस्तों हमारा जो लिमिट है वो 0 से पाई बाय 2 ही रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाने वाले हैं, तो एक बार आप इसको समझ जाएंगे, ये सारे पैटर्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। सबका आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, केवल आपको दोस्तों एक बार, ठीक है, tan की पावर पी एक्स वेयर पी इज एनी नंबर, ठीक है, पी दोस्तों कोई भी नंबर हो सकता है, पी इज एनी नंबर, ठीक है। देखिए और भी अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं न्यूमरस बहुत सारे क्वेश्चंस को दोस्तों हम इसी ट्रिक से हल कर सकते हैं। देखिए नंबर 6 की बात करें तो देखिए 0 से पाई बाय 2
sec ऑफ एन एक्स डी एक्स, हालांकि ये sec और cosec में भी यही तरीका आपके काम दे जाएगा, sec ऑफ एन एक्स प्लस cosec ऑफ एन एक्स, तो इसका भी आंसर दोस्तों कितना आएगा, दैट इज द पाई बाई फोर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान तरीके से आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर sec ही रहे, ऊपर cosec भी आ सकता है। आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, वो रखनी है कि जो लिमिट है वो सभी हमारे पूरे इस पैटर्न के अंदर वो 0 से π/2 ही रही है बस, और सभी का आंसर दोस्तों जो है हमारे पास में कितना आ रहा है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ π/4। ठीक है, कि आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान सा तरीका था। ठीक है, चलिए ये हुई हमारी इसकी शॉर्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके इस पेपर का था वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए वो क्या था दोस्तों, वो ये था आपका -1 to 2 एक्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एक्स मॉड एक्स डी एक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो आपके मापांक फलन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि मापांक फलन वाला जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये लिखा रहता कि भाई -1 to 2 मॉड एक्स डी एक्स, ठीक है, तो मैं इसको कैसे करता, मुझे इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आता दोस्तों वो क्या आता, -1 to 0 एंड +0 से 2, क्योंकि मुझे x इक्वल टू 0, हमेशा इसको 0 को आउटपुट करता हूँ मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ मेरे साथ में कुछ और है नहीं, x-1 x-2 से कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल x गिवन है, तो उसमें 0 को रख करके और क्या निकालता हूँ, मेरा जो उद्देश्य रहता है दोस्तों वो है टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो -1 to 0 में आप देखेंगे वैल्यू इसकी कितनी आती है, -x dx, और 0 से 2 में ये फंक्शन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो x.dx। तो अब मैं इसको यहाँ पर इसी टाइप से ब्रेक करके और यूज में लाऊंगा, कैसे, देखिए -1 to 0 और x इंटू -x dx, ठीक है, प्लस 0 से 2 x इंटू +x dx। ठीक है, अब तो क्वेश्चन जो है बहुत एकदम आसान सा बन गया है, केवल आपको बस ये ब्रेक करना आना चाहिए कि आपको जो भी मॉड टाइप का क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको हमेशा इस टाइप से ब्रेक करना है। ठीक है, तो i बराबर, अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, -x³/3 -1 to 0 प्लस, मैंने ऐड कर दिया है, एग्जाम में भी आप ऐड कीजिए, बहुत सारे सब लिखने की जरूरत नहीं, सब फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, दैट विल बी -1/3, इसका कितना आएगा 8/3, एंड नाउ आंसर विल बी 7/3। आई होप कि आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने बाकी हैं। देखिए आई बराबर, हमको लिमिट दिया गया है, आज सारे क्वेश्चन हम ले लेंगे जो आपके TGT 2016 मैथ्स डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड थे, dx sin²x cos²x। अब देखिए दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ईजिएस्ट तरीका है कि अगर आप न्यूमरेटर में देखें दोस्तों, आपको 1 दिया हुआ गया है, और हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम अच्छे से जानते हैं कि हम 1 को लिख सकते हैं sin²x cos²x। मैंने यही प्रतिबंध काम में लिया है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दिया गया है इसलिए। ठीक है, बस ये मेरे को सबसे इजी मेथड लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, स्प्लिटिंग द टर्म्स, तो दैट इज π/4 से π/3। मैं तो यहाँ सारी स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में करते समय सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आसानी से बहुत सारी स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए cos²x dx डिवाइडेड बाय sin²x और cos², देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया। देखिए उसमें मुझे जो i की जो वैल्यू मिली है, दैट इज π/4 से π/3, cos² को जाकर sec²x dx हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये sec²x dx बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, दैट विल बी cosec²x dx बन जाएगा। ठीक है, कितना बन गया दोस्तों, cosec². अब इन दोनों के आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू याद ही है, इंटीग्रल वैल्यू कितनी होती है, sec²x की होती है 10x, cosec² की दोस्तों कितनी होती है cot x, आपको अच्छे से कंसस्ट होने चाहिए। देखिए और लिमिट जो है वो π/4 से π/3। ठीक है, देखिए कितना आएगा, i इक्वल टू tan π/3 माइनस का cot π/3। ठीक है, तो देखिए tan π/3 माइनस का cot π/3। ठीक है, एंड देन माइनस
टेन पाई बाई फोर एंड माइनस का कॉट पाई बाई फोर। तो देखिए दोस्तों ये तो बोले जीरो हो जाएगी क्योंकि टेन पाई ओवर वन और कॉट पाई ओवर भी वन, फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव वन जीरो मुझे आंसर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। तो क्या आएगा, वॉट इज वैल्यू टेन पाई बाई थ्री, दैट इज रूट थ्री। यहाँ अगर गलती ना करें आप तो कितना आ जाएगा मेरे को, थ्री माइनस थ्री वन, तो दैट विल बी टू अपॉन रूट थ्री। दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने आज चार क्वेश्चन लिए थे वो चारों क्वेश्चन आपके टी जी टी 2016 यूपी टी जी टी के चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों आगे की वीडियो में हम इसी पेपर के टॉपिक वाइज, भले अगले में मैं आपके डेरिवेटिव पर आधारित, नेक्स्ट में लिमिट, टू डी थ्री डी पर बेस्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हम बनाएंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।